हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है तो इसका सेंटर का हमें पता नहीं, ठीक है। तो ये सेंटर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो पहले हम इस सर्कल को किसी भी पार्ट में दो कॉर्ड लेना है। तो हम इधर ले रहे हैं, इधर एक कॉर्ड, इधर भी एक कॉर्ड ड्रा करना है। तो अभी क्या करना है, तो ये हमारा ए बी एंड ये सी डी, ए बी एंड सी डी हमारा दोनों कॉर्ड है। तो अभी ए बी कॉर्ड एंड सी डी कॉर्ड को, दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देना है। तो बाइसेक्ट करने का मेथड हम लोगों को पता है, आधा से ज़्यादा रेडियस लेके, देखो इसका जो लेंथ है आधा से थोड़ा ज़्यादा लेके एक आर्क इधर ड्रा करना है और एक आर्क इधर ड्रा करना है। तो अभी सेम बी पॉइंट पे पेंसिल कंपास को बिठा के एक आर्क इधर ड्रा करना है और एक आर्क इधर ड्रा करना है। सेम प्रोसीड्योर सी डी जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड के लिए सेम प्रोसीड्योर अप्लाई करना है। बाइसेक्ट करने के लिए इधर एक आर्क ड्रा करना है, इधर एक आर्क ड्रा करना है, डी पॉइंट पे बिठा के इधर एक आर्क ड्रा करना है, इधर एक आर्क ड्रा करना है। तो अभी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, ये और ये दोनों पॉइंट को ऐड कर देना है। और सी डी लाइन का जो बाइसेक्ट करने के लिए दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, ये दोनों को भी ऐड कर देना है। तो ये दो बाइसेक्टिंग लाइन जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट है। तो ये हमारा ओ, ठीक है फ्रेंड्स। देखो एक सर्कल दे रखा था, तो सर्कल का सेंटर को हमें, हम लोगों को पता नहीं था, उस सेंटर को फाइंड करना था। क्या किया हम लोग क्या किया, दोनों किसी भी पार्ट में, यहाँ पर भी हम लोग कॉर्ड ले सकते थे, दोनों कॉर्ड लिया मैंने, ए बी एंड सी डी, कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, ए बी जो कॉर्ड था कॉर्ड को बाइसेक्ट किया एंड लाइन ड्रॉ किया, फिर उस बाद में सी डी कॉर्ड को बाइसेक्ट किया एंड लाइन ड्रॉ किया। तो बाइसेक्टिंग लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो पॉइंट मिल रहा है, वो हमारा सेंटर का सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।